ई साला कप नाम दे से क्या कहानी अब ई साला कप नामदू की तरफ बढ़ रही है। हाँ गुरु, ये कहानी बढ़ रही है क्योंकि आरसीबी ने महेंद्र सिंह धोनी के सीएसके को हराकर प्लेऑफ में रॉयल एंट्री ले ली है। यकीन मानिए आरसीबी के जो फैंस हैं आज उनकी आंखों में आंसू भर आए, वो गमगीन है क्योंकि जो टीम 3 मई को 10वीं पायदान पर थी, कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था कि यार वो टीम जो है वो प्लेऑफ्स में चली जाएगी। वेल प्लेड आरसीबी, कमाल का मैच यार, इट वॉज एन एब्सोल्यूट सिनेमा। आज कहीं खुशी तो कहीं गम था, ये हम पहले से जानते थे, लेकिन क्रिकेट जो था वो अपने पीक पर था। इट वॉज एन एब्सोल्यूट सिनेमा। यश दयाल का वो आखिरी ओवर, 17 रन चाहिए थे सीएसके को प्लेऑफ्स में जाने के लिए, सामने बल्लेबाज थे महेंद्र सिंह धोनी, पहली बॉल पर यश दयाल को छक्का पड़ता है। यकीन मानिए साक्षी धोनी से लेकर वो जो जोश मना, सांसें थम गई थी लोगों की, विराट कोहली का चेहरा तमतमा गया था। यश दयाल वो गेंदबाज हैं जिन्होंने रिंकू सिंह के सामने 5 छक्के खाए थे। इसके बाद अगली बॉल आती है, धोनी फिर एक शॉट मारते हैं, पिछला वाला शॉट जो था वो 110 मीटर का छक्का था, ये वाला शॉट हवा में जाता है, कैच पकड़ा आता है, और पहली बार शायद हमने धोनी को गाली देते हुए सुना। ही लिटरली सेड लाइक दिस एंड दैट डिफाइंस कि ये शॉट मैच पलटने वाला शॉट था, खत्म मैच। विराट कोहली का वो एग्रेशन जिसमें ये एकदम पागलपन था, उफ, क्रिकेट एट इट्स पीक। एक बॉल पर धोनी और विराट का रिएक्शन क्रिकेट को एब्सोल्यूट सिनेमा बना रहा था, और उसके बाद यश दयाल ने अगली 4 बॉल पर सिर्फ 1 रन दिया और आरसीबी ये मैच जीत जाती है। वो यश दयाल जो रिंकू सिंह के सामने छक्के खाकर विलन बना था, वो आरसीबी के लिए सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाती है और आईपीएल 2024 हमेशा हमेशा के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी ऑफ आईपीएल याद रखा जाएगा। कमाल का मैच, हो सकता है शायद इस मैच में आखिरी बार हमने महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करते हुए देखा हो। धोनी की टीम का एलिमिनेशन बहुत समय तक सताएगा। सवाल भी उठेगा कि क्या शिवम दुबे और शार्दुल ठाकुर ने मैच हरा दिया, क्योंकि जब तक दुबे जी बल्लेबाजी करने नहीं आए थे तब तक मैच सीएसके कंट्रोल में था। दुबे जी आए, डॉट बॉल खाई, रचिन रविंद्र को आउट कराया, डॉट बॉल खाकर खुद आउट होकर चले गए और उसके बाद मैच फंस गया। धोनी जडेजा ने कोशिश की लेकिन वो कोशिशें काफी नहीं हो पाई। यश दयाल बीते साल के विलेन, इस साल के बड़े हीरो, 11 रन दिए और आरसीबी 27 रनों से मैच जीत गई। ये मैच सीएसके का भी था ही नहीं, ये लड़ाई सीएसके के लिए मैच जीतने की थी ही नहीं। सीएसके जानती थी वो मैच हार जाएगी। सीएसके को पिच से सपोर्ट मिल रहा था, पहले गेंदबाजी करते वक्त टर्न मिली, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को ड्यू की वजह से परेशानियां हो रही थी, मौका सीएसके के पास पूरा था, लेकिन सीएसके ने मौका भुनाया नहीं, गवाया, और आरसीबी ने इस मौके को पूरी तरह से भुनाया और वो इमोशंस अब सोशल मीडिया पर आपको नजर आ रहे हैं। क्रिकेट अलग लेवल पर चला गया इस मैच में, इंतहा जो थी वो अलग लेवल पर चली गई और कोई कभी भूल नहीं पाएगा इस मुकाबले को। ये मुकाबला इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया, क्योंकि आज या तो विराट कोहली की आंखों में आंसू होते या महेंद्र सिंह धोनी की आंखों में आंसू होते, या विराट कोहली का सपना टूटता या महेंद्र सिंह धोनी का सपना टूटता, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद धोनी का अंत जो था वो बहुत सुखद नहीं रहा। बीते साल महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रॉफी जीती थी, लेकिन इस साल चेन्नई में जब फाइनल मुकाबला होगा तब वहां पर आपको धोनी नजर नहीं आएंगे और ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में रह जाएगी कि धोनी क्या आखिरी मैच में बेहतर हो सकते थे, क्या धोनी आखिरी मैच को जिता सकते थे। बहुत 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 हैरानी वाली कहानी है। महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी कोशिश की, सारा जोर लगाया, 13 बॉल पर 25 रन बनाए, अपनी साइड से कोशिश की, 110 मीटर का छक्का मारा, लेकिन वो कोशिश नाकाफी थी। इस मैच में बुरा जडेजा के लगता है 22 बॉल पर 42 रन बनाए थे, काश किसी ने साथ दिया होता, लेकिन शिवम दुबे की वो 15 बॉल पर 7 रन, दुबे जी ने जो इज्जत कमाई थी वो शायद इस मैच में गंवा दी, बहुत इज्जत कमाई थी। और इसी तरह से सवाल शुरू हुआ, क्या दुबे ने मैच हरा दिया, ये सवाल हमेशा उठेंगे। लेकिन आज सीएसके की हार से ज्यादा चर्चा आरसीबी की जीत की होगी, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं 3 मई को ये टीम 10 नंबर पर थी, 18 मई को क्वालिफाई कर जाती है प्लेऑफ में, और हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट होता है एमएस धोनी के लिए, दिल टूटने वाला। आरसीबी 8 में से 7 मैच हार कर आई थी, अब जीती 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 और लगातार 6 मैच जीतकर प्लेऑफ्स में शामिल हो गई।
धोनी के धुरंधरों ने लड़ाई लड़ी, धोनी ने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो कहानी नहीं आएगी। ये मैच विराट का था, ये मैच फाफ डुफ्लेसी का था जिन्होंने हवा में उछलकर कैच पकड़ा, ये मैच कैमरन ग्रीन का था जो बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखा रहे थे, ये मैच मैक्सवेल का था जो लौट कर किस्मत लेकर आए थे, ये मैच सिराज का था जो जोर लगा रहे थे, ये मैच यश दयाल का था जिन्होंने अपने आप को हीरो के तौर पर एस्टेब्लिश किया, और ये मैच आरसीबी के उन तमाम फैंस का था जो बीते कई सालों से इस टीम को अंधा सपोर्ट कर रहे थे और तमाम मजाक उड़ाए जाने के बाद भी इस टीम के साथ मजबूती से डटे हुए थे। ये मैच उन तमाम आरसीबियंस को समर्पित उनके लिए एक ऐसा मोमेंट है जो यकीन दिलाता है आपको कि अगर आपको हौसला है, भरोसा है, तो फिर मंजिलें मिल जाती हैं। गजब का मैच, गजब का मैच। आई मीन आरसीबियंस आज अपनी आंखों में आंसू लेकर बैठे, ये जीत उनके लिए क्या मायने रखती है इसको आप समझिए। कमाल का मैच यार, आई मीन यू कैन नॉट डिफाइन इन वर्ड्स ये मैच क्या है। हाँ, थोड़ा जडेजा के लिए बुरा लगता है, जडेजा ने कोशिश की थी, काफी कोशिश की थी, लगा कि शायद निकल जाएगा, बट जडेजा की कोशिशें काफी नहीं आई। मैक्सवेल जिन्हें ड्रॉप किया गया था, आज 4 ओवर में 25 रन दिए, आई मीन दैट वॉज क्रेजी बॉलिंग फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल। और बैटिंग में भी मैक्सवेल आए थे, किस्मत लेकर आए थे, 5 बॉल पे 16 रन, वो जो 320 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, आई थिंक वो मैच चेंजिंग मोमेंट्स थे। आरसीबी ने आखिरी के ओवरों में जो जोर लगाया था वो मैच चेंजिंग मोमेंट्स था। 16वें ओवर में 17 रन, 17वें ओवर में 16 रन, 18वें ओवर में 16 रन, 19वें ओवर 18, फिर 20वें में 13 रन। ये कहानियां जो हैं ये अपने आप में शानदार थी। आरसीबी ने आखिरी के 5 ओवर में 80 रन ठोक दिए थे। CSK को इस मैच में 19 चेस करने थे, लेकिन 201 चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए। पूरे मैच में उन्होंने जोर लगाया 201 के लिए, लेकिन वो काफी नहीं रहा, और यही वजह है कि आज RCB बाहर है। ये मैच पाटीदार के लिए भी याद रखा जाएगा। पाटीदार, व्हाट अ कमबैक मैन, थोड़ी देर से आप फॉर्म में आए, लेकिन क्या कमाल की फॉर्म में आया। 23 बॉल 41 रन, से पहले 19 से 50, 21 से 50, 21 से 50, 26 से 50, 29 पे 50। ग्रेट मैन। क्या आरसीबी इस साल फाइनल जीतेगी? क्या इस साल ईसाला कप नाम दे कप नाम दू में तब्दील होगा? पता नहीं, वक्त तय करेगा, लेकिन आरसीबी ने जो खेला है आज क्रिटिक्स को भी मजबूर कर दिया होगा कि वो कहें वेल प्लेड आरसीबी, वेल प्लेड, टू गुडिया, मजा आ गया।